रामगढ़ में दहेज की खातिर 25 वर्षीय विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। फिरोजपुर हरियाणा के बडोला निवासी अयूब ने अपनी बेटी वाजिदा की ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की खातिर हत्या करने का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज कराया है। पीड़ित पिता अयूब ने रिपोर्ट में लिखवाया है कि 2 वर्ष पूर्व उसने अपनी बेटी वाजिदा की शादी मिलकपुर गांव निवासी अजीज पुत्र रोजदार से की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने वाजिदा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और 2 लाख रुपए के साथ बोलेरो की मांग की जाने लगी। इसी के चलते उससे रोजाना मारपीट किया करते थे और 8 मई को उनके पड़ोसियों ने सूचना दी कि तुम्हारी बेटी को मार दिया गया है। इसके बाद हम रामगढ़ पहुंचे जहां वाजिदा हमें मृत मिली। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका वाजिदा के 1 साल का बेटा भी है। पुलिस अनुसंधान करने में लगी है। वहीं पिता ने बेटी की हत्या में ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जाति मेव निवासी 50 साल और उम्र 50 साल निवासी बादोला फिरोजपुर जिले का रिपोर्ट दिए कि 2 साल पहले मैंने मेरी लड़की वजीदा की शादी मिलकपुर गांव में अजीज के साथ की थी। पिछली रात 12 बजे मुझे सूचना मिली कि मेरी लड़की मर गई है। मैं परिवार सहित यहाँ आया। मेरी लड़की को काफ़ी समय से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था और आज ससुराल पक्ष के 6 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इत्यादि रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। डेड बॉडी परिवारजनों को सपोर्ट करती है। आगे की कार्रवाई जारी है। जी, मेरे पास फोन गया रात के 12 बजे और मेरे बसू ने कही तेरी लड़की मार दी, और मैंने फिर अपना गांव का भेड़ा करा। मेरी लड़की 2016 में 14 तारीख को शादी करी। लोगों को कहते तू अब एक एल्टो गाड़ी दे दे या 2 लाख रुपया नहीं, तेरी लड़की को जान से मार दिया। और आज से 4 महीने पहले मेरी लड़की के बिजली का शॉर्ट लगाया और मार कूट के है नहीं घर पर ताड़ दी। फिर इसका नन ससुरा गया मेरे घर पर, वो और दद ससुरा गया, वो लेके आया। फिर आगा 1 महीना हुआ नहीं है, छोरी को मार दी लड़की मेरी।